हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश टेक ब्लॉग। और आज मैं बात करने वाला हूँ दो मॉडल का, वीवो V29 और लेटेस्ट मॉडल जो है वो रेनो 11। दोनों का कंपैरिजन करेंगे किसमें बेस्ट फीचर्स है, रेनो 11 5G। और यहाँ पे दोस्तों कैमरा का मॉडल काफ़ी प्यारा लग रहा है, साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे स्पीकर लेंस दिया हुआ है जो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी देगा। प्लस यहाँ डुअल टोन फ्लैश दिया गया है और ऊपर की ओर देखते हैं एयर ब्लास्टर दिया गया है। और नीचे और की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखते स्टीरियो स्पीकर, यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट, यहाँ सिम ट्रे का ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे वॉल्यूम बटन पावर बटन के साथ देखते वीवो का V29। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स जो कैमरा का सेटअप है, यहाँ पे ट्रिपल कैमरा दिया गया है। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं डुअल टोन फ्लैश, यहाँ पे प्लस पॉइंट किया गया है, ओरा लाइट फ्लैश दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं साइड की ओर यहाँ पे वॉल्यूम बटन दिया गया है, पावर बटन। और नीचे की ओर यहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे देखते USB टाइप सी पोर्ट, यहाँ पे सिम ट्रैक ऑप्शन मिल जाएगा। रेनो 11 5G और वीवो V29। और यहाँ पे बात करूँ दोनों मॉडल यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के साथ है। सबसे पहले मैं कैमरा के बात करूँ तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा दिया है। जो मेन कैमरा होगा 50 MP जिसमें आपका सोनी का सेंसर लगा हुआ है, जो दूसरा कैमरा होगा टेलीफोटो दिया गया है, तीसरा कैमरा अल्ट्रा वाइड के लिए, इसमें भी आपको सेम ट्रिपल कैमरा मिल रहा है। जो मेन कैमरा होगा 50 MP जिसमें सैमसंग का सेंसर दिया गया, सेकेंडरी कैमरा 8 MP, जो तीसरा कैमरा रहेगा पोर्ट्रेट के लिए 2 MP आएगा। मैंने दोनों कैमरा को ऑन कर दिया और सबसे पहला चीज़ मैं फ़ोटो दोनों का चेक करूँगा। यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हो रेनो 11 5G, यहाँ पे 0.6 अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, इसमें भी आपका सेम अल्ट्रा वाइड दिया गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ज़्यादा मिलेगा इन सेंसर जूम, 5x दिया गया, यहाँ 2x, बस इसमें आपका ये आगे निकल गया। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो यहाँ दोनों में देख सकते हो फ्रेंड्स, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड ऑप्शन नहीं दे रहा, वीवो में अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर इन सेंसर जूम 5x मिल रहा है, यहाँ पर 2x मिल रहा है। और वीडियो रिकॉर्डिंग आप करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें जो V29 में आपको मिल रहा है 4K 30 FPS, इसमें भी सेम 30 FPS में मिल जा रहा है। फ्रेंड्स मैं ये दोनों फ़ोन के कैमरा के मैं बात करूँ तो कैमरा बेस्ट होगा इसका, रेनो 11 5G का। मैं दोनों का सेटिंग खोल रहा हूँ, रेनो 11 5G और वीवो V29 का। मैंने दोनों का सेटिंग खोल दिया और हार्डवेयर क्वालिटी चेक करूँगा। सबसे पहले मैं अबाउट फोन में गया, इसका भी अबाउट फोन में यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, जो ओप्पो का रेनो है यहाँ पे कलर OS 14.0 दिया है, यहाँ पे फंटस OS 13 जो पुराना वाला है। और यहाँ पे फ्रेंड्स रैम की और आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स 8 GB दिया हुआ है, इसमें 8 GB, बट V29 में आपको 12 GB तक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें 8 GB में ही संतुष्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेनो 11 में आपको 5000 mAh का बैटरी मिल रहा है, 67 W का मिलेगा चार्जर। और यहाँ पे V29 में आपको 4600 mAh का बैटरी मिलेगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे साउंड टेस्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने रेनो 11 5G को उठाया और यहाँ पे मैं साउंड इसका सुना रहा हूँ। सबसे पहले साउंड एंड वाइब्रेशन में गया और यहाँ फ्रेंड्स रिंगटोन में गया और आपको रिंगटोन सुना रहा हूँ। यहाँ फ्रेंड्स आपको डुअल स्टीरियो ऑप्शन मिल जा रहा है, डुअल साउंड आपको मिलेगा ऊपर नीचे। और मैं आपको प्लेबैक करके सुना रहा हूँ इसमें V29 में। सेटिंग में गया और यहाँ पे मैं जाऊँगा साउंड एंड वाइब्रेशन में और यहाँ पे मैं जाऊँगा फ्रेंड्स रिंगटोन में। यहाँ पे फ्रेंड्स सिंगल स्पीकर है। फ्रेंड्स दोनों सिम में टेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें कितना सिम लगता है दोनों मॉडल का। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेनो 11 5G का सिम ट्रे को खोल रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स डुअल सिम का ऑप्शन है, बट यहाँ पे सिम फ्लोट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, हाइब्रिड सिम ट्रे के साथ ये आ रहा है। और फ्रेंड्स V29 में चेक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स डुअल नैनो सिम लगेगा, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे का कमेंट आ रहा था कौन सा फ़ोन ले, कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, बट मैं दोनों का बताने जा रहा हूँ। अगर आप फीचर्स वाइज लीजिएगा तो V29 बेटर है और यहाँ पे अगर कैमरा क्वालिटी आपको बेस्ट चाहिए तो रेनो सीरीज बेस्ट है। फ्रेंड्स मैं बता दूँ दोनों का प्राइस, जो इसमें जो आपका रेनो 11 5G का प्राइस में स्टार्टिंग बात करूँ, 8128 का प्राइस होगा 29,999, 8256 का प्राइस होगा 31,999। और V29 5G का प्राइस की बात करूँ तो 8128 का प्राइस होगा 32,999 और इसी का 12256 है जिसका प्राइस होगा 36,999। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करते, कमेंट करते, शेयर करते, और मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।